हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है ONGC की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और तगड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। बेसिकली यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सैलरी की अगर मेरे भाई बात करें तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा 15 LPA 15 लाख रुपये पर एनम आपका सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अगर देखी जाए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। कैसे अपने को अप्लाई करना है उस प्रोसेस को हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा अच्छे से देखेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। और ये जो कंपनी आप सभी को पता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रहने वाली है। इसके अंदर ये PSU आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से पूरा देख लेना। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दे। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का, और ये वीडियो ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुँच जाएगी जो कि एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 700+ आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको अपनी ब्रांच को मेंशन करना है और आपने किस ट्रेड के अंदर ITI किया है आप उसको भी बता सकते हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी ब्रांच से रिलेवेंट देखने को मिलेगी और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी और इनडायरेक्टली वहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर लिया है। PDF का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और ये PDF आप डाउनलोड वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी रहेगी देखने को मिलेगी वो ONGC की तरफ से आ रखी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो और ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो निकाली गई है ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए और जियो साइंस डिसिप्लिन के अंदर आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे इन्होंने ब्यौरा दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे क्लास फर्स्ट का आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, एग्जीक्यूटिव लेवल फर्स्ट का वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका सैलरी क्या रहेगा, आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल फर्स्ट का पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं बेसिक पे रहेगा मिनिमम 60,000 रुपये से लेके मैक्सिमम 1,80,000 रुपये तक आपका सैलरी वैरी करने वाला है। यहाँ पे आपको अलाउंस भी देखने को मिलेंगे, 3% आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे 35% आपको अलाउंस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए मांगा है वो BBTech आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लाइक BBTech किया है 60% के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम में कर रखा है अगर आपने इंजीनियरिंग तो 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रिलिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है मैकेनिकल के अंदर, तो अगर आपने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप ड्रिलिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है 60% के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर निकाला गया तो इसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या फिर टेली कम्युनिकेशन में कर रखा है इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में कर रखा है, या फिर अगर आपने फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इंजीनियरिंग किया है 60% के साथ तब अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में निकाली गई है तो मैकेनिकल में अगर आपने इंजीनियरिंग किया 60% के साथ तब अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रखी है मैकेनिकल वालों के लिए, केमिकल वालों के लिए, पेट्रोलियम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पे आपके लिए जो मांगा है वो आपके लिए मांगा है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वैकेंसी है उसको भी आप चेकआउट कर लेना बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और वैकेंसी के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं केमिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है,
ठीक है, जियो फिजिक्स की वैकेंसी है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेकआउट कर लेना। प्रोग्रामर की वैकेंसी है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। अगर आपने बीबीटेक किसी भी ब्रांच में किया है, सारी की सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बेसिकली आपके 60% होने जरूरी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो देखिए एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया जाएगा, इस डेट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। बात करते हैं एज के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो 30 ईयर रखा गया है, जो कि आपकी एज लिमिट रहेगी ऑल पोस्ट के लिए, और जो ए ट्रिपल ई डबल ई की पोस्ट है जिसमें ड्रिलिंग और सीमेंटिंग दे रखा है उसमें 28 साल दी गई है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 ईयर है, और यहाँ पे आपको पता है कि ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप उसमें 3 और 5 ऐड कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, फॉर ए जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में 13 साल का, और यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी में 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर लेना। अब बात की जाए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, डायरेक्टली इसी के स्कोर कार्ड पे बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपने गेट 2023 का फॉर्म फिल आउट नहीं किया तो मेरे भाई जाके फिल आउट कर दे, इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे 30 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है और 30 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है, उससे पहले पहले मेरे भाई आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे अप्लाई का वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिसमें मैं आपको समझा दूंगा कि गेट का आपको अप्लाई कैसे करना है, और इसके अंदर जो मेरे भाई बहन पास आउट होने वाले हैं 23 के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 24 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गेट के लिए 2023-24 दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, ONGC का अप्रैल और मई के महीने के अंदर इसका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि गेट 2023 के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि गेट 2023 कब तक चलेगा उसके बारे में, एग्जामिनेशन कब होगा, 4th, 5th, 11th और 12th फरवरी 2023 को एग्जामिनेशन होने वाला है गेट का। रिजल्ट कब अनाउंस होगा, 16 मार्च को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। एक्टिवेशन लिंक कब होगा इसका, अप्रैल और मई के महीने के अंदर एप्लीकेशन यहाँ पे इसका एक्टिव कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सके। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन और फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।